इस तस्वीर में उपद्रवी एक गाड़ी पर पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। घटना पटना के अनुग्रह नारायण कॉलेज के बाहर की है। हमले से डरा गाड़ी चालक गाड़ी को बैक में दौड़ाता नजर आ रहा है, लेकिन उपद्रवियों की गुस्साई भीड़ उसे छोड़ने के मूड में नहीं है। वो उसके पीछे पीछे दौड़कर फिर से हमला करते हैं। एक बार फिर देखिए तोड़फोड़ की इन तस्वीरों को। पटना में यह हंगामा मैट्रिक की परीक्षा के रद्द होने के बाद बरपा। परीक्षा देने आए मैट्रिक के छात्रों ने जमकर हंगामा किया और दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मैट्रिक परीक्षा के सामाजिक विज्ञान का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पेपर को रद्द करा दिया और पेपर लीक करने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन छात्रों ने मेहनत करके एग्जाम दिया था, पेपर रद्द होने से उनकी मेहनत खराब हो गई। लेकिन उनके गुस्से का शिकार हुए बेगुनाह गाड़ी वाले, जो अपने घर के बच्चों को एग्जाम दिलवाने आए थे। हमले में गाड़ी सवार छात्रों को चोट आई है। क्या घटना घटी थी और क्या नुकसान हुआ आप लोग को? हम लोग तो आ रहे थे, देखे भीड़, हम लोग और स्टूडेंट लोग एक पथराव, पूरा पथराव कर दिया गाड़ी पर। और देखा हम लोग तो, मेरे भाई एग्जाम देने जा रहा था और सिस्टर जा रही थी। गाड़ी में कौन कौन लोग बैठे हुए थे? तीन लोग थे, एक मेरा भाई था वो, और एक सिस्टर थे, हम थे। चोटें भी आई उन लोगों? हाँ, चोट भी आई है और गाड़ी में बैठे हुए थे। और पूरा अभी कहाँ है सिस्टर? सिस्टर भी है, हॉस्पिटल में है। हल्का चोट है पीछे से, इधर से जैसे ईटा मारा है। और प्रशासन नंबर गाड़ी था। क्या सभी स्टूडेंट थे? नहीं, स्टूडेंट एक थे, वो चल गए थे, वो छोड़ दिए थे उसके पहले। हम लोग वापस जा रहे थे, टर्निंग के लिए मोड़ रहे थे, वहीं पे एक पथराव कर दिया स्टूडेंट लोग। और बीच पटना में यहाँ पे कितने प्रशासन होते, तब पर भी प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। एसकेपुरी थाना के बाहर ये घटना हुई? हाँ, बस जस्ट 100 मीटर पहले। उपद्रवियों के हमले के दौरान गाड़ी में फंसी छात्रा से सुनिए उसकी आप बीती। हम लोग बेली रोड के साइड से आ रहे थे, NRTC में कॉलेज में एग्जाम था, तो हम लोग लाइक स्टूडेंट अपना जा रहे थे एग्जाम देने आराम से कुछ ने। अचानक से यहाँ पे लाइक कचरा गाड़ी वाला लोग टर्न कर रहे हैं, सोचे क्या हुआ, कुछ दिख नहीं रहा था आगे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। स्टूडेंट लोग को देख रहे, भाग रहे, दो तीन स्टूडेंट भाग रहा था। हम लोग देखी गाड़ी टर्न कर रहा है, तो जब गाड़ी टर्न करने लगे हम लोग वहाँ से, तो मतलब अटैक उतना में ही वो लोग ईटा पत्थर बांस वांस जो मिले जो लोग को अटैक करने लगे, आगे से पीछे से जो हो सके। जो हम लोग डर गए, हम लोग जल्दी जल्दी अपना गाड़ी टर्न करके भागे, एक जगह साइड में लगा, हम लोग का पूरा गाड़ी खराब हो गया है। मौके पर मौजूद SK पुरी थाना इंचार्ज मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। मजिस्ट्रेट साहब है वहाँ पर, वही घटना बता दी ना आपके थाना क्षेत्र में हुआ है। अरे हम लोग नहीं देते हैं, ऐसे नहीं करिए। स्टूडेंट क्यों हंगामा कर रहे थे? वो परीक्षा लीक हुआ था उसके चलते। आइए, तोड़फोड़ भी की है, एक प्रेग्नेंट महिला के साथ मारपीट, ये सब नहीं हमको जानकारी है। जो हुआ है हम लोग कर रहे हैं कार्रवाई। अरे मजिस्ट्रेट साहब है। AN कॉलेज में तैनात मजिस्ट्रेट राजीव रंजन ने कहा कि शुक्रवार को मैट्रिक का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने हंगामा किया और दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की। देखिए, हम लोग यहाँ परीक्षार्थियों के लाइन लगवाए हुए थे, टाइम तकरीबन 8:15 के आसपास कुछ आवाज़ आया, हल्ला उल्ला होने का आवाज़ आया, तो देखे कुछ गाड़ी उड़ी टूट रहा था। हम लोग तो यहाँ व्यस्त है, अपना लाइन लगवा रहे थे एग्जाम के लिए। स्टूडेंट है बता रहे थे कि नहीं, ये कहना सही नहीं होगा कि स्टूडेंट है, हो सकता है असामाजिक तत्व भी हों, सब ये सही नहीं है। पेपर रद्द हुआ है जिसके कारण हंगामा। हाँ, सुनने में तो ऐसा कुछ आ रहा है कि कल का पेपर शायद लीव कैंसिल हुआ था, तो उसका तो लीव पेपर कैंसिल हुआ था, कल SSC का पेपर कैंसिल हुआ, उसी को लेकर हंगामा हुआ। हाँ, शायद कह सकते हैं। उपद्रवियों के हमले से गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पटना से सुजीत गुप्ता, बिहार तक।